किशनगंज नाम तो सुना ही होगा। बिहार का एक ऐसा शहर जो जनसंख्या के हिसाब से पूर्णिया और कटिहार शहर के बाद पूर्णिया प्रशासनिक मंडल का तीसरा सबसे बड़ा, किशनगंज जिला का पहला सबसे बड़ा और बिहार के 27वें बड़े शहरों के लिस्ट में शामिल है, जो देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 1410 किलोमीटर और बिहार की राजधानी पटना शहर से 425 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही किशनगंज है जो बिहार का एकमात्र मुस्लिम मेजोरिटी वाला शहर है, जो उत्तर बिहार के किशनगंज जिला का एक अनुमंडल, एक प्रखंड, एक अंचल और साथ में एक नगर परिषद के रूप में भी जाना जाता है। किशनगंज शहर किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत और किशनगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है, जो पूर्णिया मुख्यालय से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व भाग पे स्थित है। जब बात हो किशनगंज की तो हम यहाँ के खगड़ा मेला को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये वही खगड़ा मेला है जो एक समय पे सोनपुर मेला के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, जहाँ पर भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मलेशिया जैसे देशों से व्यापारी इस मेले पे व्यापार करने आते थे। इस मेले का आयोजन हर साल जनवरी से फरवरी के महीने पे किया जाता है, जहाँ पर हर साल आसपास के इलाके से सैकड़ों हजारों सैलानी खगड़ा मेला की सैर करने आते हैं। इसलिए जब कभी भी किशनगंज जनवरी से फरवरी के महीने में आए तो यहाँ का खगड़ा मेला जरूर घूमने जाएं, क्योंकि जितना सारण जिला का सोनपुर मेला, पूर्णिया जिला का डिजली लैंड मेला और मधेपुरा जिला का सिंहेश्वर मेला मशहूर है, उतना ही किशनगंज का खगड़ा मेला भी मशहूर है। इन सभी के अलावा किशनगंज के कई सारे रोचक और धमाकेदार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बिना देर किए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों उस दारों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे आप लोग बिहार के कौन कौन से शहर और डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किशनगंज बिहार का एक ऐतिहासिक और क्लीन सिटी के लिए जाना जाता है, जिसे एक समय पे क्रिस कुंज के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बूढ़ी काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, गंगा मंदिर और हर गौरी मंदिर के अलावा मुस्लिम धर्म के मानने वालों के लिए लाइन मस्जिद, कचहरी जामा मस्जिद, खगरा मस्जिद और कदम रसूल पीर बाबा की दरगाह शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण पवित्र स्थल स्थित है। इसके अलावा किशनगंज पे नेहरू शांति पार्क और चुरली किला जैसे टूरिस्ट प्लेस स्थित है। अगर आप सिनेमा देखने के शौकीन है तो आप यहाँ के मेट्रो सिनेमा टॉकेज में जाकर नई नई फिल्मों का मजा ले सकते हैं। किशनगंज हिंदू मुस्लिम धर्मों के साथ साथ सिख, ईसाई और जैन धर्मों के मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। वैसे किशनगंज भारत का मुस्लिम मेजोरिटी वाला शहर है, जहाँ पर शहर की आबादी का 42% आबादी हिंदू धर्म और 56% आबादी मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। किशनगंज नगर परिषद की आबादी आज के मौजूदा समय पे साल 2023 के अनुसार 1,30,000 के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार किशनगंज नगर परिषद की आबादी 1,06,000 है, जहां रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 26,000 है। यानी कि किशनगंज पे आज के समय कुल मिलाकर 26,000 घर है, जो हर एक परिवार पे औसतन 5 से 6 लोग रहते हैं। आज का किशनगंज अपनी व्यवसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ बिहार के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। किशनगंज पे कई सारे उद्योग है, जिसमें चाय प्रोसेसिंग यूनिट, प्लाईवुड उद्योग, जूट उद्योग, पोल्ट्री फार्म उद्योग, सिल्क उद्योग और कुटीर उद्योग शामिल है। इसके अलावा किशनगंज सड़क मार्ग द्वारा कई सारे सामानों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जहाँ से भारी संख्या पे बड़ी छोटी गाड़ियों का परिचालन होता है, जिस वजह से बिहार का किशनगंज व्यापार के लिए एक अच्छे केंद्र है, जो आर्थिक रूप से बिहार की आय पे एक खास योगदान देता है। किशनगंज में आय का मुख्य स्रोत कृषि है,
यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि, छोटे व्यवसाय, पशुपालन, घरेलू उद्योग और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। किशनगंज पे काम करने वाले वर्कर की संख्या आज के समय यहाँ की आबादी के अनुसार 40,000 है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 40,000 वर्कर पे मजदूर, किसान, सरकारी नौकरी करने वाले और प्राइवेट नौकरी करने वाले भी शामिल है। साल 1887 में किशनगंज को एक नगर परिषद के रूप में गठन किया गया था, जो आज के समय पे किशनगंज एक नगर परिषद के रूप में ही जाना जाता है, जिसमें कुल मिलाकर 34 वार्ड शामिल है। इस नगर परिषद को 34 वार्डों में बांटा गया है। किशनगंज शहर की ऊंचाई समुद्र से 53 मीटर तकरीबन 173 फुट के करीब है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 73% है। इससे पता चलता है यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ का लिंग अनुपात 918 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 918 महिला है। किशनगंज की बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और बंगाली है। इसके अलावा सुरजापुरी और ठेठी भाषा भी बोली जाती है।